आए जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम क्योंकि वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारी कदम चूमे। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की रूपरेखा समझने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ी भाषा की समझ होनी चाहिए? जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए उस भाषा का प्रारंभिक रूप क्या था, उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी विकास यात्रा क्या रही। ये प्रश्न हमारे मन में उठना बहुत ही स्वाभाविक है और आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में भाषा का अर्थ एवं परिभाषा बताऊंगी, फिर हिंदी भाषा का परिचय दूंगी, हमारी जो माँ है उसका परिचय दूंगी, हिंदी भाषा का उद्भव का स्रोत बताऊंगी कि कहाँ से शुरुआत हुई है भाषाओं के विकास की, फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक काल की जो भारतीय आर्य भाषा हैं उनके विकास के बारे में चर्चा करूंगी। देन उसके बाद हिंदी भाषा का विकास क्रम इनसे कैसे हुआ आधुनिक काल में, आदिकाल, उनका मध्यकाल और उसका आधुनिक काल, ये तीनों चीज़ें आपको बताऊंगी। देन मैं हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसके बारे में आपसे बात करूंगी और हिंदी भाषा के स्वरूप के बाद उसकी जो विभिन्न विभाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, उन पर बात करूंगी और उनमें जो खड़ी बोली जो आज हिंदी का पर्याय बन गई है उसके बारे में बात करूंगी, उसके मानकीकरण के बारे में आपको बताऊंगी और हिंदी भाषा का जो वर्तमान है और उसका जो भविष्य है उसके बारे में चर्चा करके इस वीडियो को समाप्त करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर रही, पर हाँ आपसे इतना वायदा कर सकती हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित तथा हिंदी भाषा की जो विभिन्न विभाषाएं हैं उसकी जो विभिन्न बोलियां हैं उसका आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भाषा किसे कहते हैं, भाषा का क्या अर्थ है और भाषा की क्या परिभाषा है। चूँकि यहाँ हम डिटेल में भाषा की बात नहीं पढ़ रहे, हिंदी भाषा की बात पढ़ रहे हैं, तो संदर्भ के अनुसार मैं केवल आपको भाषा का संक्षिप्त में शाब्दिक अर्थ बता दूंगी और एक दो परिभाषाएँ स्पष्ट कर दूंगी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात व्यक्ति वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाए उसे भाषा कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा की श्रेणी में आती है। यहाँ हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पशु पक्षियों की आवाज़ या संकेत ये सब कुछ भाषा में नहीं आता है। चलिए एक परिभाषा देख लेते हैं, भोलानाथ तिवारी ने भाषा के बारे में क्या कहा है। भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो भाषा है वो एक ऐच्छिक पद्धति है अपने भावों और विचारों को ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की। तो अब आपको भाषा समझ में आ गया होगा कि हमारे अपने भाव और विचार, मनुष्य अपने भाव और विचार अपने उच्चारण अवयवों से जो व्यक्त करता है उसे हम भाषा कहते हैं। और ये भाषा दो भागों में बांटी जाती है, मौखिक और लिखित। जब हम इसे बोलते हैं, जब केवल ध्वनि संकेतों में इस चीज़ को बोलते हैं तो इसे मौखिक कहते हैं, और जब इनको लिपि चिन्हों में लिख देते हैं तो ये लिखित भाषा होती है। तो अब आपको भाषा का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी अपनी जो मातृभाषा है उसका परिचय देखते हैं। हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो उसके तीन रूप हमारे सामने आते हैं। पहला रूप वो रूप है जो कि उत्तर भारत में जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा है, जिसे वो अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में रोज व्यवहार में लेते हैं। दूसरी हिंदी भाषा का वह मानक रूप जो हमारे साहित्य और संस्कृति की प्रतीक बन चुकी है। और तीसरा हमारी राजभाषा जो हमारे सरकारी कामकाज में आती है। यहाँ हम प्रमुख रूप से हिंदी के उस रूप की बात करेंगे जिसका विस्तार भाषा के रूप में पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक है,
तथा पश्चिम में गुजरात और राजस्थान तक है, दक्षिण पश्चिम में देखें तो मराठी तक है, और उत्तर के क्षेत्र में हम देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लेकर और दक्षिण में हैदराबाद की दक्कनी हिंदी तक इसका प्रचार प्रसार है। और इसमें 5वीं भाषाएं हैं, 18 बोलियों के संयुक्त दाय से गठित है ये हमारी हिंदी भाषा, जो आज भारत की राजभाषा है तथा जिसमें राष्ट्रभाषा बनने का पूरा सामर्थ्य है, और जो हमारी साहित्यिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक बन चुकी है। देखते हैं हमारी इस जो हिंदी भाषा है इसका स्रोत क्या रहा, कहाँ से भाषाएं प्रारंभ होती हैं। जिस प्रकार परिवार के इतिहास में कोई आदि पुरुष होता है और उससे फिर विभिन्न प्रकार की शाखाएं फूट जाती हैं, उसी प्रकार संसार में आज जितनी भी भाषाएं हमको देखने को मिलती हैं उन सभी भाषाओं की कोई ना कोई एक आदि भाषा रही है। वंश क्रम के अनुसार जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो संसार की सारी भाषाओं को लगभग 11 कुलों में विभाजित करते हैं। भारत और यूरोपीय जो कुल है वो उसमें प्रथम स्थान पर आता है, यानी कि भारत यूरोपीय जो कुल है वो इन सब 11 कुलों में सबसे प्रथम स्थान पर आता है, और उसके 8 उपकुल माने गए हैं। इनमें भारत ईरानी उपकुल की 3 प्रमुख शाखाएँ हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैं आपको वो सोर्स बता रही हूँ शुरू से कि भाषाएं कैसे पनपी और फिर उनमें से हमारी हिंदी कैसे निकल के आई। तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की जब हम बात करते हैं तो भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ जो 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक जिसका काल माना जाता है। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषाएँ जिसका काल 500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईस्वी तक माना जाता है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं जिनके विकास का काल 1000 ईस्वी से लेके और अब तक का माना जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है सर्वप्रथम इसका रूप हम वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में पाते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है और उसकी भाषा प्राचीनतम है, जो कि प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्ता के काफ़ी निकट है। और हम ये देखते हैं कि जो इस वेदों का जो ऋग्वेद है उसके दूसरे मंडल से लेकर 9वें मंडल में जो भाषा मिलती है वो बिल्कुल अलग भाषा है, उसे प्राचीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। इन प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के रूप बार बार बदलते रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में और फिर बाद में ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषदों में हमें इनके रूप बदले हुए दिखाई देते हैं। सामान्यतः इसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो काल है वो लगभग 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और वैदिक संस्कृत को ही हम प्राचीन संस्कृत के नाम से जानते हैं। ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसकी रूप रचना जटिल और वैविध्यपूर्ण थी, इसीलिए यह भाषा साहित्य की भाषा बनी रही, ये जनभाषा नहीं बन पाई। लेकिन इस भाषा में, वैदिक संस्कृत में 3 बोलियाँ उस समय प्रचलित हुई, उसमें से पहली उदिच्चा थी, दूसरी मध्यदेशिया थी और तीसरी प्राच्या थी। लौकिक संस्कृत इसी उदिच्चा से, जो वैदिक संस्कृत की एक बोली थी उसी से ही लौकिक संस्कृत का उद्भव हुआ। पाणिनि ने इस उदिच्चा भाषा का संस्कार किया, इसे व्याकरण सम्मत बनाया, इसमें सुधार किया, अतः इस भाषा को संस्कृत कहा गया। इस काल में वैदिक भाषा का जो वैविध्य था वो काफ़ी कम हो गया था तथा संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया आदि के रूप स्थिर हो गए थे। इस काल में रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ इस संस्कृत में लिखे गए। गुप्त काल इसका स्वर्ण युग माना जाता है। कालिदास ने तो इस संस्कृत भाषा को, हम सब जानते हैं, उत्कृष्टता पर ही पहुंचा दिया था। यूरोपीय भाषाओं में जो स्थान लैटिन भाषा का है, हमारे भारतीय आर्य भाषाओं में वही स्थान संस्कृत का माना जाता है। उस वक्त ये जो भाषा थी वो जनभाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी थी, पर धीरे धीरे व्याकरण के बंधन कड़े होते गए, उसके कारण ये भाषा केवल साहित्य की भाषा बन के रह गई और आम जनता में प्राकृत भाषाएं बोली जाने लगी। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं का जो प्राचीन काल था वो खत्म हुआ और नई प्राकृत भाषाएँ पनपी, जिसे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास काल मानते हैं। ये जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के विकास का काल है, इसे भी हम 3 खंडों में बांट सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी 3 प्रकार की प्राकृत डेवलप हुई। पहली प्राकृत
उसका काल 500 ईसा पूर्व से और लगभग 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। द्वितीय जो प्राकृत थी उसका विकास काल 200 ईसा पूर्व से और करीबन 600 ईस्वी तक माना जाता है, और तृतीय जो प्राकृत है उसका विकास काल 600 ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक माना जाता है। जो प्रथम प्राकृत काल है, जो सबसे पहले जो प्राकृत भाषा पनपी, उस भाषाओं में दो भाषाएं प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलती है। पहली पाली भाषा, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, और गौतम बुद्ध ने, चूंकि ये जनभाषा थी तो कहते हैं इसी जनभाषा में उन्होंने अपने उपदेशों का लोगों को अपने उपदेश दिए थे और इसमें त्रिपिटक लिखे गए। दूसरी प्रकार की भाषा शिलालेखी भाषा, जिस शिलालेखी भाषा को अशोक ने प्रयोग किया था, और ये जो शिलालेखी भाषा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिस तरीके की जनभाषाएं थीं उनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आए, और ये शिलालेखी भाषा भी हमारे मध्यकाल की जो प्राकृत भाषा है उसका ही एक भाग मानी जाती है। द्वितीय जो काल है, जो द्वितीय प्राकृत विकसित हुई, इस काल में 5 भाषाएं हमारे यहाँ विकसित हुई, जिसमें सबसे पहले शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाच। इन 5 जो भाषाएं थी इनके सबकी भिन्न भिन्न व्याकरणिक विशेषताएं थी। शौरसैनी सबसे अधिक परिनिष्ठित और अभिजात्य वर्ग की भाषा मानी जाती थी। इसमें दिगंबर जैन धर्म का जो साहित्य है वो हमको शौरसैनी प्राकृत में ही मिलता है। पैशाची में हमें कोई ज़्यादा साहित्य मिलता नहीं है। महाराष्ट्री जो हमारा दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है वहाँ विकसित हुई, अर्धमागधी का जो प्रदेश है वो कौशल रहा, और मागधी मध्य प्रदेश में विकसित होती रही। अब तृतीय प्राकृत विकसित होती है। तृतीय प्राकृत अर्थात अपभ्रंश, जब प्राकृत भाषा भी व्याकरण के नियमों में जकड़ गई तो आम जनता ने अपनी जो उसकी सुविधा थी, जिसे उसमें मुख सुख मिलता था और वो अपने विचारों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकता था, नियमों से अलग होकर, व्याकरण के नियमों से अलग होकर उन्होंने अपनी जिस भाषा को अपनाया उस भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया, क्योंकि ये भाषा व्याकरण के विरुद्ध थी, इसका रूप भ्रष्ट था, इसका रूप थोड़ा बिगड़ा हुआ था, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध था, इसलिए इसे अपभ्रंश कहा गया। अपेक्षाकृत ये जो अपभ्रंश भाषा थी वो सरल थी, क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग था वो समाप्त हो गया था, वचन भी केवल 2 ही रह गए थे, कारकों के चिन्ह भी काफ़ी कम हो गए थे, तथा शब्दावली के स्तर पर भी कुछ विदेशी शब्दों को जो कि हमारे जन भाषा में बहुत प्रयुक्त हो रहे थे उन शब्दावलियों को अपना लिया गया था। इसे प्राकृत भाषाओं तथा आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी माना जा सकता है। उस समय लगभग 7 अपभ्रंश भाषाएं प्रचलित थीं, जिनमें शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, जिसे हम कई अपभ्रंश भी कह सकते हैं, ब्राचड़ और टक, ये 7 अपभ्रंश भाषाएं उस समय प्रचलित थीं। ये है मध्यकाल में आर्य भाषाओं का विकास। अब देखते हैं आधुनिक काल में आर्य भाषाओं, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे रहा। इस काल में वर्तमान की जो अन्य आर्य भाषाएं हैं और हमारी विकसित हुई, और उसके साथ साथ हमारी हिंदी का विकास भी इसी काल से प्रारंभ होता है। हमारी हिंदी का जन्म शौरसैनी अपभ्रंश से माना गया है। हिंदी का विकास लगभग मतलब जो अपभ्रंश है 1000 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। यूँ हम किसी भी भाषा के विषय में डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि इस भाषा का उद्भव कब हुआ होगा, ये बहुत ही कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि हिंदी के उद्भव की चर्चा करते समय बहुत से विद्वान कहते हैं कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो शहरपाते, जो कि 7वीं सदी के थे, लेकिन हम देख रहे हैं हिंदी का की जो अपभ्रंश भाषा या हिंदी का जो विकास है वो हमें 1000 ईस्वी से ही देखने को मिलता है, और कुछ विद्वानों का मत है कि 1000 ईस्वी से ही हिंदी का विकास हुआ। अब इतना गैप क्यों आया? इतना गैप इसलिए आया कि ये बिल्कुल ही मतलब एक बिल्कुल एक प्रमाणित सत्य है कि कोई भी भाषा एकाएक साहित्य की भाषा नहीं बन जाती है। साहित्य की भाषा बनने के लिए पहले उसे यूज़ करने वाले, उसको प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ता है, और जब वो भावाव्यक्ति में पूर्ण तरीके से सक्षम हो जाती है तभी उसमें साहित्य लिखा जाता है, तभी वो साहित्य की भाषा बन पाती है। इस दृष्टि से हिंदी का जो विकास क्रम है, चाहे हमें उसे 1000 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं, पर यह कह सकते हैं कि उसके बीज हमको 7वीं और 8वीं सदी से ही मिलने लगे थे।
और 1000 ईस्वी के आसपास हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर आकर जो अपभ्रंश है वो अपना कैंचुल उतार कर और आधुनिक आर्य भाषाओं का रूप धारण करने लगी थी। भाषा की दृष्टि से इस काल को संक्रांति काल कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश अब अपना धीरे धीरे रूप बदल रही थी और आधुनिक आर्य भाषाओं में परिवर्तित हो रही थी। तो देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम इस सौर सैनी अपभ्रंश से कैसे हुआ। विद्वानों का एक मत यह है कि हिंदी का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है और दूसरा मत यह है कि ये प्राकृत भाषा की पुत्री है। वास्तव में संस्कृत भाषा से कई प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि मतलब प्राकृत भाषाएं भी कहाँ से पनपी हैं, संस्कृत से पनपी हैं, और इन प्राकृत भाषाओं से ही अपभ्रंश पनपी। तो इस प्रकार प्राकृत भाषा ही बदलते बदलते हिंदी के रूप में अस्तित्व में आ गई। यदि हम ये कहें कि संस्कृत जननी है और तीनों प्राकृत भाषाएं आपस में भगिनी हैं और हिंदी उनकी दुहिता है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए देखते हैं हिंदी के विकास की यात्रा, के हिंदी का जो विकास है वो किन क्रमों में जाकर हुआ। हिंदी की विकास यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो तीन भाग हमको इसमें भी देखने को मिलते हैं। हिंदी के विकास का आदिकाल जो लगभग 1500 ईस्वी तक रहा है ना, जैसे जैसे लोग मानते हैं 1000 ईस्वी से, तो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मान लीजिए। मध्यकाल जो 1500 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक रहा, और आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और आज तक चला आ रहा है। आइए देखते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का आदिकाल। सन 1000 से और 1200 तक के बीच अपभ्रंश भाषाओं और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच में हमें एक भाषा और मिलती है जिसे अवहट्ट भाषा कहा जाता है। इस अवहट्ट भाषा को ही परवर्ती अपभ्रंश कहा गया और गुलेरी जी इसी को ही पुरानी हिंदी भी कहते हैं। इसमें संदेश राशक, प्राकृत मंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी और कीर्ति रता अवहट्ट की ही रचनाएं मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा अपने निर्माण की प्रक्रिया में इस समय चल रही थी और यहीं से हमें खड़ी बोली के चिन्ह भी देखने को मिल जाते हैं। अमीर खुसरो और बाद में कबीर के साहित्य में स्पष्ट रूप से हमको खड़ी बोली के दर्शन दिखाई देते हैं। साथ ही जैन, बौद्ध और नाथ साहित्य में हमें हिंदी के विविध रूप देखने को मिलते हैं, विविध शैलियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे एक शैली हमको देखने को मिलती है डिंगल शैली, दूसरी मिलती है पिंगल शैली और तीसरी है हिंदवी। तो जो डिंगल शैली है, राजस्थानी खड़ी बोली और अपभ्रंश के मिश्रण से जिस शैली का प्रचलन हुआ उसे डिंगल शैली कहते हैं। इस डिंगल शैली का प्रभाव रासो साहित्य पर जबरदस्त देखने को मिलता है। खुमान रासो हो, बीसलदेव रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो, और कवि कल्लोल द्वारा रचा गया जो ढोला मारूरा दुआ है वो भी इसकी प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। दूसरा, ब्रजभाषा और अपभ्रंश भाषा के मेल से जो शैली पनपी उसे हम पिंगल शैली के नाम से जानते हैं, और इसी खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से जो एक नई शैली पनपी उसे हिंदवी शैली के नाम से जाना जाता है, और अमीर खुसरो इसी शैली के प्रयोक्ता हैं और इसी से आगे जाके खड़ी बोली का जन्म हुआ। आइए अब देखते हैं हिंदी भाषा का मध्यकाल। हिंदी भाषा का जो मध्यकाल है वो भाषा की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। इस समय तक खड़ी बोली अपना अस्तित्व ले चुकी थी, लेकिन साहित्य में अवधि और ब्रज भाषा का ही ज़्यादातर प्रयोग हो रहा था। यद्यपि मौखिक और सामाजिक व्यवहार में खड़ी बोली बराबर चल रही थी लोक भाषा में, लेकिन सूर, तुलसी, रहीम, रसखान, केशव, इन सब ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी और साहित्य की रचना की। केवल इन्होंने नहीं, सैकड़ों कवियों ने ब्रज भाषा को ही साहित्यिक रूप में अपनाया। तुलसी ने अवधि भाषा का के रूप में रामचरितमानस को लिखा, जायसी ने पद्मावत को अवधि भाषा में लिखा। इस समय हिंदी भाषा में जो एक दूसरा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि इस समय फारसी शब्दों का प्रवेश इस भाषा में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसका प्रभाव हमको सूर, तुलसी और जायसी सबकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके बाद शुरू होता है हिंदी भाषा का आधुनिक काल जो 18 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इस समय तक गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएं प्रकाश में आने लगी थी। इससे पहले साहित्य रचना केवल पद्य में ही हो रही थी, गद्य में नहीं हो रही थी।
दसवीं ग्यारहवीं की रचना जो राउर वेल है उसी में हमें खड़ी बोली के दर्शन शुरू हो जाते हैं। अकबर के एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम है गंग, उनकी चंद छंद वर्णन की महिमा और राम प्रसाद निरंजनी की रचनाओं में हमें खड़ी बोली के साफ साफ, खड़ी बोली में भी गद्य रचना के साफ साफ दर्शन होते हैं। इसी क्रम में स्वामी प्राणनाथ का शेख मीरा जी का किस्सा बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। लेकिन वास्तविक प्रसार को जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद से शुरू होता है। एक संयोग था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट थे, उनके निर्देशन में उन्होंने, वो चूंकि अंग्रेजी राज्य को भारत में बड़े सुचारू रूप से चलाना चाहते थे और वो जब ही चल सकता था जब यहाँ की जो भाषा है उसका विकास हो, और चूंकि जिस पे वो शासन कर रहे हैं उनकी जो जनभाषा है हिंदी भाषा, उस भाषा का विकास हो, तो इसलिए मजबूरी में उनको हिंदी भाषा के विकास और प्रसार प्रचार के लिए प्रयास करने पड़े। दूसरा उनका एक उद्देश्य था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी यहाँ करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा की कई पुस्तकें तैयार करवाईं, बहुत सारी पुस्तकों के उन्होंने हिंदी में अनुवाद करवाए, बाइबल का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद करवाया, और इन सब प्रयासों के चक्कर में हमारी हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। तो चार व्यक्तियों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं इस समय में, सदल मिश्र हैं, सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं और इंशाअल्लाह खां हैं। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल का सुख सागर और सदल मिश्र का नासिकयो पाख्यान और आपके इनका लल्लू लाल जी का प्रेम सागर, ये प्रमुख रचनाएं उस समय रही। जब हिंदी थोड़े आगे बढ़ने लगी तो अंग्रेजों ने अपनी सोची समझी चाल के तहत हिंदी की उपेक्षा शुरू कर दी, और जब हिंदी की उन्होंने उपेक्षा शुरू करी तो हमारे सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद और लक्ष्मण सिंह जी ने इसका खुला विरोध किया और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश की। इस समय भारतवर्ष में आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसी जो संस्थाएं थी उनसे काफ़ी जन जागरण अभियान चले और इन दोनों संस्थाओं ने भी हिंदी के विकास और वृद्धि में उत्तरोत्तर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी का जो प्रथम चरण है वो भारत की साहित्यिक परिवर्तन को लेकर आया, एक राष्ट्रीय चेतना को लेकर आया, एक राजनीतिक जन जागरण और सामाजिक जन जागरण को लेकर आया। तो राष्ट्रीय चेतना के इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन खड़ी बोली के प्रसार में एक युगांतकारी परिवर्तन लेकर आता है। कविता की भाषा पहले जहाँ ब्रज और अवधि हुआ करती थी, अब खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाने लगी, और गद्य के क्षेत्र में तो युगांतकारी परिवर्तन आया, मतलब गद्य के क्षेत्र में तो नई नई विधाएं पनपी, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथाएं हैं, संस्मरण है, रेखा चित्र हैं, फीचर है, एकांकी है, नाटक है, आलोचना है, प्रहसन है, व्यंग्य लेख है, आदि विधाएं हिंदी भाषा को इस समय मिली। आगे चलकर हम देखते हैं कि अनेक कवियों और साहित्यकारों ने, जैसे कि हरिओद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, श्रीधर पाठक हैं, मैथिशरण गुप्त हैं, आपके जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महादेवी वर्मा हैं, निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन सब के नाम हम कैसे भूल सकते हैं। इन सब ने हमारी हिंदी को आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, और प्रसाद काल को तो संभवतः हिंदी की खड़ी बोली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो संपन्नता और समृद्धि हमें इस काल की भाषा और साहित्य में देखने को मिलती है, वो समृद्धि हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। तो ये भाषा के स्वरूप पर बात करें, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सारा हिंदी क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र और पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी और पंजाब से लेकर पूर्वी बघेली अवधी की सीमा तक, उत्तर में पहाड़ी भाषाओं का और दक्षिण में मराठी भाषा की सीमा तक पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र माना जाता है, और पूर्वी हिंदी में बिहारी, उड़िया, असमिया, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इस प्रकार की भाषाओं का जो प्रयोग माना जाता है। आज हम यदि देखें तो पूरी जो हिंदी भाषा है उसकी 5 विभाषाएं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। पहली विभाषा पश्चिमी हिंदी मानी जाती है, और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगुरु, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 इसकी उपभाषाएं या बोलियां मानी जाती हैं। दूसरी जो विभाषा है वो है पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियाँ प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। फिर तीसरी जो विभाषा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी में चार बोलियाँ हैं, एक तो है आपकी पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में जयपुर की जो रूढ़ाती भाषा को ले सकते हैं हम, और पश्चिमी राजस्थानी इसमें मारवाड़ी भाषा आ जाती है, उत्तरी राजस्थानी इसमें मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी बोली आ जाती है। फिर है आपकी पहाड़ी विभाषा। पहाड़ी विभाषा में भी तीन प्रकार की बोलियाँ मिलती हैं हमको, पश्चिमी पहाड़ी जिसमें कुमायनू और गढ़वाली की आ जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें नेपाली वगैरह बोली आ जाती है, और पूर्वी पहाड़ी। और पाँचवी जो विभाषा है हिंदी की वह है बिहारी। इसमें तीन रूप से प्रमुख बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी भाषा की पांच विभाषाएं और 18 बोलियाँ लेकर इस भाषा का पूरा गठन हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें से खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, जो आज हिंदी भाषा का पर्याय बन गई है। आइए सबसे पहले हम खड़ी बोली के स्वरूप और अर्थ की चर्चा करते हैं कि आखिर इसे खड़ी बोली कहा क्यों जाता है। वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता थी, वो हिंदी भाषा बनी, और जिसमें फारसी और अरबी शब्दों की बहुलता थी उससे उर्दू की सृष्टि हुई। खड़ी बोली से तात्पर्य उस बोली से लेते हैं विद्वान ज्यादातर जिस पर ब्रज भाषा और अवधी की छाप ना हो, जो ठेठ हिंदी हो, जो परिनिष्ठित हिंदी हो, और जो पश्चिमी हिंदी का एक रूप है उससे खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जो खड़ी बोली है उसमें जो खड़ी शब्द है उसके कई अर्थ विद्वान निकालते हैं, जिसमें पहला अर्थ निकालते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली खड़ी मतलब अर्थात खरे नागरिकों की बोली, जो विद्वत हैं, जो विद्वान हैं, जो खरे नागरिक हैं उनकी जो बोली है वो खड़ी बोली है। दूसरा अर्थ निकालते हैं वो कि खड़ी बोली में एक प्रकार का अक्खड़पन है जिसे अंग्रेजी में ब्लंटनेस कहा जाता है। और वास्तव में यदि हम देखें तो खड़ी बोली में जो ब्रजभाषा है और ब्रजभाषा और अवधी भाषा की जो सौम्यता है, जो मधुरता है, उसका अभाव हमको खड़ी बोली में देखने को मिलता है। तीसरा, खड़ी बोली का मतलब है खरी बोली अर्थात शुद्ध बोली, और ये जो अर्थ है ये काफ़ी सार्थक अर्थ में दिखाई देता है। वर्तमान समय में खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जा रहा है। पहले अर्थ में तो ये किया जा रहा है कि वह बोली जो साहित्यिक खड़ी बोली बन गई है, जो हिंदी की साहित्यिक भाषा बन गई है, जो हिंदी की संविधान में स्वीकृत जो राजभाषा बन गई है उसे हम हिंदी की खड़ी बोली कह रहे हैं। और दूसरी खड़ी बोली वो है जिसका प्रचलन जो हिंदी दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो मेरठ है, सहारनपुर है, इसके आसपास की जो जनभाषा है उसको हिंदी की खड़ी बोली कहा जाता है, जिसे राहुल जी कौरवी कहते हैं, और राहुल जी ने इसे स्टैंडर्ड भाषा के नाम से भी पुकारा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसको जनपदीय भाषा कहते हैं। ग्रियसन, डॉक्टर ग्रियसन है वो इसे देशी हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, और इस खड़ी बोली को बहुत लोग सर हिंदी और नागरी के नाम से भी पुकारते हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग है, अंबाला, कलसिया, पटियाला का जो पूर्वी भाग है, या पंजाबी, बांगरू, ब्रज और पहाड़ी जो पहाड़ी भाषाएं हैं उनका जो बीच में स्थान पड़ता है, लेकिन इसका शुद्ध और परिनिष्ठित रूप हमको बिजनौर में दिखाई देता है। आज ये अन्य स्थानों पे भी इसका बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो समीपवर्ती ब्रज प्रदेश हैं या राजस्थानी प्रदेश हैं, अन्य जो बोलियों के प्रभाव क्षेत्र थे उनमें भी आज खड़ी बोली घुसती चली जा रही है। चलिए लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि खड़ी बोली की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं का ये कारण खड़ी बोली अन्य भाषाओं से हमें अलग दिखाई देती है। सबसे पहली विशेषता जो हम इसमें देखते हैं वो ये देखते हैं कि खड़ी बोली आकारांत प्रधान है। इसमें अधिकांश आकारांत शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे करता, खाता, जाता आदि। दूसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि खड़ी बोली में जो द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग प्रचुरता के साथ मिलता है, जैसे बेटी, गाड़ी, रोटी, जाता। तीसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि निश्चयात्मक भूतकाल में खड़ी बोली में या लगाया जाता है, जैसे बैठा को बैठ्या, उठा को उठ्या, ये कहा जाता है। चौथी विशेषता हम देख रहे हैं आई और औ का उच्चारण ए और ओ की भांति हमें सुनाई देता है, यथा परिनिष्ठित हिंदी में जैसे हम बोलेंगे पैर और खड़ी बोली में बोलेंगे पैर, परिनिष्ठित हिंदी में हम बोलेंगे और खड़ी बोली में बोलेंगे और।
स्वराघातहीन अक्षरों में ई का अ की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे मिठाई शब्द है उसको वो बोलेंगे मठाई, इकट्ठा है इसको बोलेंगे कट्ठा। मध्य या अंत न के स्थान पर ण का प्रयोग हो जाता है, यथा लेन देन को लेन देन, ण और ढ के स्थान पर ड और ढ बोला जाता है। जैसे गाड़ी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गाड़ी। सर्वनामों में मैं, मुझ, मेरा, महारा, हमारा, तू, ते, तुझ, तेरा, तम, तमे, तुम्हारा, तैने, किसके, जो, जोन, कौन, आपन आदि का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। मूर्धन्य व्यंजनों का प्रयोग अधिकतर प्रचुरता के साथ हमें दिखाई देता है। ओ और औ के लिए भी हमें प्रवृत्ति मिलती है कि उसको ऊ कर दिया जाता है। जैसे मर्दों शब्द हो तो मर्दू, जैसे राम को शब्द है तो रामकू, ये हमें देखने को मिलता है। क्रिया विशेषण इब अभी और अब की जगह, जिब तिब माँ जा, यहाँ वहाँ के लिए, क्यों के लिए, क्यों क्यों के लिए, क्यों आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रियाओं के भूतकालिक रूप भी हमें इसमें दो दो दिखाई देते हैं, जैसे करा किया, गया गिया। पूर्वकालिक क्रियाओं में कर की अपेक्षा के का प्रयोग मिलता है, जैसे जाकर नहीं बोलेंगे जाके, खाकर नहीं बोलेंगे खाके। तो इस तरीके से हमने खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं देखी। आपको ये भी बता दूं कि खड़ी बोली के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने जाते हैं और उनका जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना जाता। हिंदी की खड़ी बोली का क्षेत्र आगे जाकर इतना ज़्यादा विस्तृत और व्यापक हुआ कि आज भारतीय संविधान में हिंदी का यही खड़ी बोली का रूप है, इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और देवनागरी को उसकी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके जो व्याकरण के नियम हैं पूरी तरीके से स्थिर हो चुके हैं, इसके शब्द भंडार में भी अपूर्व वृद्धि हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का एक मतलब कहना चाहिए वृहद विकास है। यद्यपि इस खड़ी बोली का विकास है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से हुआ है, लेकिन इस भाषा में हमने फारसी से, अंग्रेजी से और अरबी से, तुर्की से, पुर्तगाली से, डच भाषा से, सब भाषाओं से काफ़ी सारे शब्द लिए, जिससे कि हमारा जो शब्द भंडार है वो काफ़ी विस्तार और व्यापक हो गया है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से हमने जो के तो ले लिए, तद्भव शब्द जो हमने मध्यकालीन आर्य भाषाओं से ले लिए यानी कि पाली और प्राकृत भाषाओं से और अपभ्रंश भाषाओं से ले लिए, और विदेशी भाषाओं के नाम में बताई चुकी हूँ जहाँ से हमने इन शब्दावलियों को लिया, और भारतीय की जो हिंदी की खड़ी बोली है उसके शब्द भाषा को और ज़्यादा समृद्ध बना लिया। अब बात ये उठी कि भाषा का मानकीकरण की बात हुई, क्योंकि खड़ी बोली का जो क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत हो चुका था। हमने देखा है कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो दिन पे दिन और विस्तृत होता जा रहा था और अलग अलग बोलियां और भौगोलिक परिवेश की विभिन्नता के कारण हिंदी भाषा में पर्याप्त असमानताएं हमको देखने को मिल रही थी। ऐतिहासिक विकास के कारण भी हिंदी भाषा नित्य परिवर्तित होती जा रही थी। कई बार भाषा के पुराने रूपों में और नए रूपों के विभेदों में विवाद उत्पन्न हो जाते थे, तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की बात आई, क्योंकि हमें इसमें कई सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही थी। इन विसंगतियों के निराकरण के लिए समय समय पर हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया और ये मानकीकरण हम देख रहे हैं देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है उसके संदर्भ में, हिंदी की वर्तनी के संदर्भ में मानकीकरण के प्रयास किए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए देश के जो प्रतिष्ठित विद्वान थे, भाषाविद थे, हिंदी सेवी संगठन थे, राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय अधिकारियों, इन सबसे विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करके जो पहला प्रयास हमारे सामने आया वो था 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के नाम से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई और इस पुस्तिका की लगातार मांग बढ़ती चली गई। जब लगातार मांग बढ़ती गई तो इसे परिवर्तित करके, इसको संस्कारित करके 1983 में एक पुनः देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण दूसरी पुस्तिका निकाली गई और उस पुस्तिका का निःशुल्क वितरण किया गया, जिससे कि हिंदी भाषा का जो मानकीकरण है उसका जो सही स्वरूप है वो सभी समाचार पत्रों में, विभिन्न संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, राज्य और केंद्र की जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें, और हिंदी के संदर्भ में जहाँ भी राजभाषा का प्रयोग होता है वहाँ उसका अधिक से अधिक
जो आधिकारिक मानकीकरण हिंदी भाषा है उसको अपनाया जाए। 1967 के मानकीकरण का जो आधार रहा प्रमुख, वो रहा टाइपराइटर और उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर और नई जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हो गया। जब नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, नए सॉफ्टवेयर आए, कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता चला गया, तो हिंदी में भी आवश्यकता महसूस हुई कि इसकी वर्तनी है या हिंदी भाषा के मानकीकरण को पुनः संशोधित और परिवर्तित किया जाए। तो उनके फॉन्ट वगैरह, उनके सॉफ्टवेयर को सबको ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए यूनिकोड, हिंदी का यूनिकोड भी तैयार किया गया। संविधान में 8वीं सूची में लगभग 22 भाषाएँ, लगभग क्या, पूरी 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं और इन 22 भाषाओं को देवनागरी लिपि में आसानी से लिखा जा सके, इसके लिए भी प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं कि उन जो दूसरी भाषाएं हैं उनके जो ध्वनि चिन्ह हैं वो ध्वनि चिन्ह भी देवनागरी लिपि में प्रयोग लिए जाएं, उनको भी उनमें शामिल कर लिया जाए, जिससे कि उन भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाए और इन सब संशोधनों को परिवर्तित करके एक नया संस्करण 2016 में निकाला गया। तो इस तरीके से हिंदी भाषा का, देवनागरी लिपि का, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के प्रयास हो रहे हैं। जिससे इस बारे में यदि आप देखेंगे तो मैंने जब आपको देवनागरी लिपि का जो वीडियो बना के दिया है उसमें मैंने इसके मानकीकरण की बात बताई है कि किस तरीके से 1966 में, 67 में, 1983 में, 2009 में, 2016 में हिंदी का मानकीकरण किया गया। हिंदी की जो खड़ी बोली है, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा मानी जाती है आज। और खड़ी बोली को खड़ी बोली इसलिए कहा गया क्योंकि ये वास्तव में काफ़ी शुद्ध भाषा थी और काफ़ी सार्थक भाषा थी। यद्यपि इसमें ब्रज भाषा जैसी मृदुता, सौम्यता की कमी थी, लेकिन आज यह खड़ी बोली हिंदी की साहित्यिक और जनभाषा के रूप में पूरी तरीके से लोकप्रिय हो चुकी है। वास्तव में खड़ी बोली का हिंदी में एक विशिष्ट स्थान है। इसके उद्भव और विकास की एक लंबी और गरिमापूर्ण परंपरा है। वर्तमान समय में इसमें गद्य और पद्य, हर तरीके का साहित्य लिखा जा रहा है। न केवल साहित्य लिखा जा रहा है, वरन आज हिंदी में गणित की, रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, मनोविज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो या कानून हो, सबकी पुस्तकें बड़ी संख्या में लिखी जा रही हैं। विदेशों में भी हिंदी के अध्ययन अध्यापन ने काफ़ी गति पकड़ ली है। अनेक विदेशी ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया जा रहा है। आज संसार की भाषाओं में बोलने वाली भाषाओं की दृष्टि से हिंदी का तीसरा स्थान है, तथा साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी संसार की समृद्ध भाषाओं के समकक्ष आती है। तो आज हम हिंदी के जिस रूप पर खड़े हैं, उस रूप का कैसे उद्भव हुआ, कैसे जन्म हुआ, कैसे विकास हुआ, किन किन सोपानों से होकर हमारी हिंदी गुजरी है, ये सब कुछ मैंने आपको आज समझाया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में सारे कॉन्सेप्ट, सारी आपके जो कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो गए होंगे। फिर भी आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।